गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सांसर कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से डेली बेसिस पे आप सभी के लिए कंप्यूटर क्लासेस लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इंसर्ट ऑप्शंस के सहयोग से और लेआउट के सहयोग से एक फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मेट एमएस वर्ड में कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में आज बताने वाले हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से फॉर्मेट बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कर लें, एमएस वर्ड को ओपन कर लें। आप जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप एमएस वर्ड के पेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पेज लेआउट में आकर हम सबसे पहले पेज सेटअप कर दे रहे हैं। पेज सेटअप हमारा लैंडस्केप में है और लैंडस्केप कर दिया। उसके बाद हमको जाना है इंसर्ट ऑप्शंस में। इंसर्ट ऑप्शंस में जाने के बाद हम टेबल्स क्रिएट करेंगे, एक टेबल्स लेंगे। टेबल्स की साइज होगी 5x4 और हम ओके करेंगे। ये हमारी एक टेबल्स बन गई है जिसका साइज है 5 columns और 4 row। सबसे पहले तो हम पेज लेआउट की सहायता से जो है ये फॉर्मेट को बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये कॉलम्स को मैंने छोटा कर दिया। करने के बाद ये 3 column को आप मिलाएंगे। 3 column को मिलाने के बाद आप क्या करें, लेआउट में जाने के बाद मार्जिन सेलेक्ट कर लें। ये 3 tables एक हो गए। होने के बाद आप क्या करें कि ये जो 2 row को सेलेक्ट करें इसे भी मार्ज कर दें, ये 2 columns को सेलेक्ट करें और इसे भी मार्ज कर दें। उसके बाद यहाँ पर प्रेस इंटर कर दें। आप देखेंगे कि जैसे आप इंटर करते हैं तो एक फॉर्मेट बन गई होगी। इस फॉर्मेट में आप इसका नाम दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर आप दे सकते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए। देने के बाद आप यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। मार्क्स दे सकते हैं। देने के बाद आप यहाँ पे थ्योरी दे दीजिए, प्रैक्टिकल दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप टोटल दे दीजिए। अब देखिए, ये जो हमारी फॉर्मेट बनी है, इस फॉर्मेट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। पहले तो आप क्या करें, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आ जाए और यहाँ से आप क्या करें, अलाइन सेंटर पे क्लिक करें, तो आपकी ये सेल्स क्या बीच में जो भी टैक्स है वो आ जाएंगे। मार्क्स की बात करते हैं तो सेम करेंगे प्रोसेस। सेलेक्ट करने के बाद आप अलाइनमेंट में जाने के बाद अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करें। आप अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, इस माध्यम से हमने क्या किया कि आपको टोटल पार्टिकल थ्योरी मार्क्स सब्जेक्ट सीरियल नंबर का यूज करते हुए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है। इसी तरह का फॉर्मेट हम लोग लेआउट के माध्यम से क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि मेरी जो यूट्यूब में या फेसबुक में डेली बेसिस पे जो क्लास हो रही है उसे कंटिन्यू देखें, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की नॉलेज को सही तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, खुश रहें आप, आपका परिवार। दुआ में याद रखिएगा, आपका सांसद। जय हिंद, जय भारत।